गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुआ में अभी और सुबह के 9:30 हो चुके हैं। आज मुझे BNP बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाना है, तो उसके लिए रेडी हो रहा हूँ। अभी तक मैंने अपना रूम भी सेट नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही ला के रख दिया एक बार के लिए, आके सेट करूँगा। और अभी खाना बनाने के लिए ये है मेरा किचन, और इसमें मैंने अपना दलिया बना लिया है थोड़ा, तो खा के जाऊँगा। तो फिर चलो चलते हैं। सो गाइस, मैंने बैग ले लिया है क्योंकि मेरी क्लास है 1:30 से, थोड़ा टाइम लग गया निकलने में क्योंकि खाना वाना खा के और बर्तन साफ करके सभी सेट करके अब मैं जा रहा हूँ। तो अभी तक 11 ही बजे हैं, लेकिन मेरे को BNP परिवास जाना है बैंक अकाउंट ओपन करने अपना। तो ये पीछे देख सकते हैं आप, ये मेरे हॉस्टल की मेन बिल्डिंग है और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। ये पीछे है, ये दूसरा रेजिडेंस है और हम अब आ गए हैं पार्किंग में, पे सभी कार्स पार्क की गई हैं। यहाँ पे हवा बहुत क्लीन है और बादल ऐसे ही रहते हैं तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसीलिए मैंने ये स्वेट पहन लिया है ताकि गर्मी भी ना लगे और सर्दी भी ना लगे ज़्यादा, क्योंकि जैकेट से काफ़ी गर्म हो जाता है, क्योंकि अभी इतना ठंडा मौसम नहीं हुआ है लेकिन टेम्परेचर बहुत जल्दी 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 गिरेगा अब। तो आपको दिखाता हूँ, मैं आ गया हूँ क्रूज़ बिल्डिंग के आगे। ये है क्रूज़ का ऑफिस, जहाँ से स्टूडेंट को स्टार्टिंग में आके कीज मिलती हैं। थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए, और अभी मैं आ गया हूँ ये लेन पे। ये सिर्फ है साइकिल के लिए या पैदल चलने वालों के लिए। ये इधर पार्किंग है, ये कार जा रही है, और उधर ये मेन रोड है। अभी बाहर क्लासेस के बाहर और सड़क पे मास्क कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्लासेस के अंदर मास्क पहन के जाना होता है, या किसी भी ऑफिस के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे मास्क पहन के रखना पड़ता है। और मैंने जब, जैसे कल भी हमारे क्लास में एक टीचर ने पूछा था कि कौन लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो ऑलमोस्ट 100% वैक्सीनेटेड हैं क्लास में। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे भी पास सैनिटाइजर करके कोड होता है कि जिस पे आपका वैक्सीन लग गया तो आपको पास सैनिटाइजर मिल जाता है। मेरे को भी मिल गया है क्योंकि मैंने 2 डोजेज लगवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो देख के ही पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं कि बादल कैसे छाए हुए हैं और बहुत ही नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और ये है पीछे यूनिवर्सिटी दे रुआं। रुआं बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन खुआं टाइप से कुछ बोलते हैं फ्रेंच में, क्योंकि उस फ्रेंच में आर प्रोनंस नहीं होता। तो चलिए, अभी यहाँ से बस 5 मिनट की वॉकिंग पे BNP है। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ BNP, और यहाँ पे मंडे और संडे को बंद होता है, ये ट्यूसडे से शुरू होता है बैंक। तो पहले मैं मंडे को आया था लेकिन उस दिन छुट्टी थी, तो आज जाऊँगा। चलो फिर चलते हैं। सावन, हेलो, आई वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। या ऑफ कोर्स, आई राइट। So, ये है कासे दे पागन्या। मैं BNP तो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि पासपोर्ट में लास्ट नेम जरूरी है, मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला है कि या तो ऑनलाइन करो या दूसरे बैंक में खुलवा लो। तो मैंने इस बैंक में पूछा,
तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि सरनेम होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं इस बैंक में भी गया था, ये है क्रेडिट म्यूचुअल, तो यहाँ भी ओपन नहीं हुआ। ये कोई मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। यूजुअली मार्केट होता नहीं है यहाँ पे, लगता है कुछ स्पेशल है। तो फ्रांस में सब कुछ ओपन नहीं था, पब्लिक प्लेसेस और सब, जैसे इंडिया में तो सिर्फ कॉलेजेस नहीं खुले, यहाँ पे कॉलेजेस भी खुल गए हैं। उसके साथ साथ पब्लिक में तो हमारे यहाँ भी उतनी भीड़ होती है। तो अभी मैं वापस कॉलेज जा रहा हूँ और कॉलेज जाके कॉलेज के एडमिन से बात करता हूँ कि क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ये है पीछे BNP। ये पुलिस की BMW बाइक। आ नहीं रही अच्छे से। चलो फिर वापस जा रहा हूँ अब कॉलेज। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने कॉलेज, 2 मिनट या 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है BNP। जाके पूछता हूँ। तो गाइज अभी कुछ हो नहीं पाया, मैंने एडमिन जाके ऑफिस में बोला नियोमा के कि मेरा अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेल कर दो, शाम तक आपको कोई सॉल्यूशन देंगे। तो मैंने मेल कर दिया है।